ये जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। रख विश्वास, तू है शिव का दास। कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम जैसे सितारों से सजी फिल्म ओएमजी 2 लगातार चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अब नजदीक आ रही है, मगर इसके साथ ही इसकी रिलीज के रास्तों में भी कई अड़चनें आ रही हैं। अब खबर आ रही है कि अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की रिवाइजिंग कमेटी ने अक्षय कुमार स्टार फिल्म को विवादास्पद बताया था, लेकिन अब खबर है कि फिल्म के ट्रेलर को यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति दे दी है। सेंसर बोर्ड ने साथ ही फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार यानी भगवान शिव के अवतार को भी बदलने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले हफ्ते तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। हालांकि अभी तक मेकर्स द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि फिल्म अपनी तय डेट पर रिलीज होगी या नहीं। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ही फिल्म की अंतिम रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। अब देखना है कि क्या मेकर्स फिल्म को गदर 2 के साथ रिलीज करके फैंस को दोगुना तोहफा देते हैं या नहीं। फिल्म ओएमजी 2 को लेकर पहले खबर आई थी कि सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट दिया और साथ ही फिल्म में 20 कट्स भी लगाने की शर्त रखी थी। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अब खबर आ रही है कि कमेटी ने फिल्म में अक्षय कुमार के भगवान शिव के किरदार पर आपत्ति जता दी है और इस किरदार को ही बदलने की मांग की है। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम भी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। यामी इस फिल्म में एक वकील की भूमिका में दिखाई देने वाली हैं। फिल्म का निर्देशन अमित राय ने किया है। उनकी यह फिल्म साल 2012 में ओ माई गॉड का सीक्वल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओ माई गॉड 2 का कलेश गदर 2 से होगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।